अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल विल फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ एंड गुड विंटर्स टू. स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू स्टार्ट एसे फ्रॉम इंग्लिश बी पोर्शन टाइटल विद माय फेवरेट सब्जेक्ट. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सेंटेंस इन दिस रिगार्ड इज आई रीड मैनी सब्जेक्ट्स इन स्कूल. आई रीड मैनी सब्जेक्ट्स इन स्कूल मीन्स मैं स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, बट इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट. लेकिन इंग्लिश जो है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मतलब इंग्लिश जो है वो मेरा पसंदीदा मज़मून है. अनदर सेंटेंस इन दिस रिगार्ड इज़ इट इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मतलब ये बहुत ज़्यादा दिलचस्प मज़मून है. इंटरेस्टिंग मीन्स दिलचस्प. आई लव टू रीड इंग्लिश बुक. मैं इंग्लिश की बुक पढ़ना या लिखना पसंद करती हूँ या पसंद करता हूँ, या मतलब इंग्लिश की बुक जो है वो मैं शौक से पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ. ठीक है. इट हैज़ इंटरेस्टिंग स्टोरीज. इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं, मतलब बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती हैं जिन्हें पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी मुझे मिल जाती है, और इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा लुत्फानंदोज़ भी होता हूँ. ठीक है. इट हैज़ कलरफुल पिक्चर्स. इसके अंदर बहुत सारी कलरफुल पिक्चर्स हैं, मतलब प्यारी प्यारी सी प्रिटी सी ब्यूटीफुल किस्म की पिक्चर्स हैं जो अटेंशन कैप्चर करती हैं. ठीक है. इट इज़ वे टू कैप्चरिंग दी अटेंशन. अनदर सेंटेंस इन दिस रिगार्ड इज़ देयर आर मैनी इंफॉर्मेटिव थिंग्स इन इट. इसमें बहुत ज़्यादा ना मालूमती चीज़ें हैं, मतलब मेरी जो इंग्लिश की बुक है ना उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, मालूम होती है, जिसकी वजह से मेरा आई क्यू स्ट्रॉन्ग होता है. मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से नहीं पता होती, और न्यू थिंग्स जो हैं वो मुझे पता चलती हैं इसमें ना इंग्लिश की बुक पढ़ने के बाद. वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो सकती है इसमें, आपको न्यू न्यू स्टोरीज़ पता चल सकती हैं. इसके अलावा आप लोगों को न्यू न्यू चीज़ों के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन पता चल सकती है. माई इंग्लिश टीचर टीच इंग्लिश इन एन इंटरेस्टिंग वे. मुझे मेरी इंग्लिश के टीचर जो हैं इंग्लिश इस तरह से पढ़ाती हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में, बहुत इस तरह से ना कि उसके अंदर दिलचस्पी पैदा हो जाती है. एग्जांपल्स दे के समझाती हैं, चीज़ों को कोई रिलेट करके बताती हैं ताकि मुझे आसानी से चीज़ें समझ आ सकें, मैं उन्हें आसानी से अंडरस्टैंड कर पाऊँ. फाइन. और इसके अलावा इसमें ये चीज़ हो सकती है कि मतलब टू दी पॉइंट लेसन जिस तरह से पढ़ाया जाता है, ताकि आप लोगों का जो लेसन वाला कोई पार्ट है वो भी मिस ना हो, और आप लोगों को प्रॉपरली टू द पॉइंट लेसन अंडरस्टैंड भी हो जाए. फाइन. आई आल्सो लव इंग्लिश ग्रामर. मुझे इंग्लिश ग्रामर बहुत पसंद है. ठीक. और इंग्लिश ग्रामर तो ऐसी है ना कि इंग्लिश की बेस है. अगर इंग्लिश ग्रामर आपको आ गई तो मतलब आप को इंग्लिश आ गई एज अ होल. फाइन. एंड इट इम्प्रूव्स माई लैंग्वेज स्किल्स. इंग्लिश इस तरह का सब्जेक्ट है जिसकी वजह से मेरी लैंग्वेज स्किल्स इम्प्रूव होती हैं. एक मतलब इंग्लिश की जो बुक है ना वो पढ़ने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि मेरी इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं, और मैं आसानी से बहुत अच्छी सी इंग्लिश स्पीक कर सकता हूँ. आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. फाइन. सो आई लाइक इट एज इट इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज. मुझे ये इसलिए इस तरह से ज़्यादा पसंद है कि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है. मतलब एज अ होल अगर हम लोग देखें ना तो पूरी दुनिया में जो ज़बान इस्तेमाल होती है ना, इंटरनेशनल लैंग्वेज यूज़ होती है, वो इंग्लिश ही है. ठीक है. फाइन. सो इन्जॉय योर विंटर्स एंड रिमेंबर यू इन मी इन योर प्रेयर्स. थैंक यू. बाय.